हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रॉकिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला आइकन भी थोड़ा सा प्रेस करके रखना। तो आज का वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू क्रिएट पार्टीशन ऑन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरा जो कंप्यूटर है इसमें 250 का एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, और यहाँ पर एक ही ड्राइव दिख रहा है, ठीक है, सी ड्राइव। तो इस 250 से हम लोग और एक ड्राइव क्रिएट करेंगे और एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओनली एक सी ड्राइव ही है, तो इसको मिनिमाइज करते हैं। अभी यहाँ पर स्टार्ट बटन पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, एक नया विंडो ओपन हो गया। अभी यहाँ पर देखो, अभी सी ड्राइव दिख रहा है ना, 230 GB यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक ऑन श्रिंक वॉल्यूम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, हो गया। अभी यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं करना, एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, मतलब आप कितना GB का पार्टीशन चाहते हो वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर 100 GB का ही कर देते हैं, ठीक है। तो 100 GB का, चलो 0.24 इतना, ठीक है। तो 100 GB का करते हैं, 1024 00, ठीक है। देन क्लिक ऑन श्रिंक बटन, ओके ओके। देखो यहाँ पर 100 GB का एक ड्राइव क्रिएट हो गया, लेकिन अभी तक वो अनलोकेटेड है, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं, दिस कंप्यूटर खोलते हैं, देखो कुछ नहीं आया, ठीक है। तो फिर से ओपन करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, जो 100 GB क्रिएट किया है इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, देन क्लिक ऑन न्यू सैम्पल, सॉरी न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करते हैं। देन फिर से एक विंडो ओपन हो गया, इसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर, कौन सा ड्राइव के बाद आप इसको असाइन करना चाहते हो वो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम डी ड्राइव डी को सिलेक्ट करते हैं, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन और यहाँ से फाइल सिस्टम NTFS एलोकेटेड यूनिट साइज डिफ़ॉल्ट और वॉल्यूम लेवल, तो आप लोग यहाँ पे नाम दे सकते हो, चलो इसको गेम्स दे देते हैं, ठीक है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन क्लिक ऑन फिनिश बटन, फॉर्मेटिंग, ओके। देखो हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। इसको मिनिमाइज करते हैं, देखो मेरा भी सी था, डी हो गया, देखो यहाँ पर हो गया। एक राइट क्लिक करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, गेम्स, ठीक है, हो गया, सब कुछ हो रहा है, मतलब फोल्डर भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चलो ओके, मिनिमम इसको क्लोज करते हैं। अभी ना हम लोग इस ड्राइव के ऊपर डिलीट करके भी दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से जाएंगे स्टार्ट बटन के यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन के यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर से डिस्क मैनेजमेंट के सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सी ड्राइव और डी ड्राइव गेम्स दिख रहा है, ठीक है। तो इसी को डिलीट करेंगे, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, देन डिलीट वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करो, देन क्लिक ऑन यस बटन, ओके, डिलीट हो गया, अनलोकेटेड दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर अनलोकेटेड 100 GB और यहाँ पर 132 GB दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी ड्राइव से हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करो और एक्सटेंड वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करो, देन नेक्स्ट बटन, देन कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है। देखो ऑनली एक ही ड्राइव दिख रहा है, सी ड्राइव दिख रहा है, इसको क्लोज करो, यहाँ पर आ जाओ, दिस कंप्यूटर में आ जाओ और यहाँ पर देखो फिर से एक ही ड्राइव दिखा रहा है और कितना दिखा रहा है, 132 GB दिखा रहा है। ओ भाई, ओके सॉरी सॉरी, ओके चलो दिखाओ, ठीक है, 203 फ्री स्पेस दिखा रहा है। ओके टाटा, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।